उस वक्त यहाँ पर दलदल हुआ करता था। तिरुनलवेली से जब लोग काम की तलाश में यहाँ आते तो वेंगई आगे बढ़कर उनकी मदद करते। वही यहाँ पर सब कुछ थे, चार बांस तालपत्री, इसके बाद आधी दीवार आधा पत्रा। आज जो ऐसे रह पा रहे ना, उसकी वजह है तुम्हारे दादा वेंगई। हमेशा ही जमीन पर कब्जे को लेकर मटमट होती थी। और ये है ना हरी, महान नेता। तब वेंगई की पांव की धूल भी नहीं था, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ उसके सर पर था। जमीन साफ करके लोगों को घर बनाते वो देखता रहता, और जैसे ही घर बना वो उनको हटाने लगता। वीर थे वेंगई, छोड़ा नहीं। बाहर से आए हर आदमी ने उनका साथ दिया। फसल काटने वाले को हसिया उठाने के लिए कहना पड़ता है। हरी दादा कुछ नहीं कर पाया, धारावी को अपनी मुट्ठी में रखा वेंगई ने, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी बात इमरान ने इमरजेंसी लगा दी। उसी के आड़ में पुलिस लेकर आ गया हरी दादा। जान बचाने के लिए काला और वेंगई दोनों अयूब के घर में घुस गए। आज की तरह उस समय बिजली बिजली नहीं थी। उस अंधेरे में एक लालटेन लेकर काला के सामने जब खड़ी हुई जरीना, तो वाह 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 वाह, मेरा दोस्त चारों खाने चित। मतलब देखते ही आके फटी की फटी रह गई होंगी। एकदम फटी की फटी रह गई। दीदी, अरे उस समय SIWS जूनियर कॉलेज बस ओपन ही हुआ था। मेरा कॉलेज बालवाड़ी चौर में पानी भरते समय गणेश मंदिर के टॉयलेट के पास, और वो रोड़ा थिएटर। उसके पीछे दीवानों की तरह घूमता था। भीमा चौल के अयूब की बेटी मुझसे प्यार करती है, ये बात फैल चुकी थी। और एक दिन बाद घर तक पहुंच गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे पेरेंट्स रिश्तेदार हमारे प्यार के लिए इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। और करिकालन के साथ मेरी लाइफ इतनी आसानी से शुरू होने वाली है, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। हमारा निकाह फिक्स हो गया था। लेकिन इस धारावी पर अपना कब्जा करने के लिए ये है ना हरी दादा, कैसे भी करके वेंगैया का खून करने की कोशिश में था, और मौका देख करके काला की शादी में घुस गया। जो इंसान उसे दिखाई दिया उसे काट डाला। अब क्या करें, कैसे रोके, हमारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। काला की आंखों के सामने हरी दादा ने वेंगई को भी काट डाला। शादी का मंडप जलकर राख हो गया। उस आदमी हमेशा के लिए जुदा हो गए अपने काला और जरीना मैडम, और हमारा सपना टूट गया। करिकालन के साथ क्या हुआ ये जानने में ही कई साल लग गए। दंगे से डरकर नाना नानी मुझे नासिक ले गए। अब उस वक्त में मैं क्या ही फैसला ले सकती थी। वहां के एक प्रीस्ट ने मुझे US पढ़ने के लिए भेजा। दंगे को वजह बताकर काला को तड़ी पार करवा दिया। पता नहीं चला कि उसे अगवा करके कहां रखा गया। वापस आकर जब जरीना का पता ठिकाना नहीं मिला तो वो उदास हो गया। पता नहीं क्यों और कैसे, पर तब की रखी दाढ़ी आज तक नहीं बनवाई। ये सब जाने बिना मैं इधर आ गई। जब देखो दर्द भरे हिंदी गाने तेरे मेरे बीच में चला के पड़े रहने का। मैं ऐसे कैसे छोड़ देती, मैं भी उसके सामने इलायराजा के गाने लगा देती थी। जरीना नाम मुंह से निकलता तो जरा इधर उधर करके फिर से संभालने लगते। मैं सोचती यही मेरी किस्मत है। मतलब पापा तुमसे प्यार नहीं करते थे? जाना जा जाकर अपने पापा से पूछ। ये सेल्वी नहीं तो तेरे पापा भी नहीं। सासू माँ, मुझे तो लग रहा है उन्हें फिर से जरीना से प्यार हो गया है। संभल कर। हाँ तो होगा नहीं क्या, माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है वो। अरे छोड़, दीदी की तरह थोड़ी है। अंदर आओ जरीना। नहीं, थोड़ा काम है। लेनिन। लेनिन ना, रुको अभी बुलाता हूँ। ए लेनिन, कहाँ चला गया ये? ए लेनिन, क्या हुआ? कहाँ चला जा रहा है ये लड़का? किधर है? कहाँ है? बुलाओ उसे। ए, हुआ क्या? नीचे आ, जरीना वेट कर रही है। जरीना वेट कर रही है रे, चल जा जल्दी। आइए मैडम। क्या क्या हुआ? मैं बस तैयारी हो रहा था। ये इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? लगता है बारिश आने वाली है। हाँ चलिए। ठीक है ठीक है,